यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। रविवार दोपहर स्वास्थ्य बिगड़ने पर उनको मेदांता अस्पताल के आईसीयू 5 में वेंटिलेटर युक्त बेड नंबर 89 में भर्ती किया गया था। उन्हें गले में तकलीफ है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सूद और डॉक्टर सुशील कटारिया की टीम उनका उपचार कर रही है। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजीव गुप्ता ने मंगलवार दोपहर बाद बताया कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आईसीयू में उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी देखरेख कर रही है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव सहित परिवार के कई लोग अभी गुरुग्राम में ही हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव और डिंपल यादव पूरे दिन उनकी देखभाल में लगे रहे। इसके साथ ही वो पार्टी के बड़े नेताओं और खानदान के अन्य लोगों को नेताजी का हालचाल बताते रहे। यूपी के इटावा जिले में स्थित मुलायम के पैतृक गांव सेफई, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, लखनऊ से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम तक सपा समर्थकों के फोन पूर्व मुख्यमंत्री का हाल जानने के लिए आ रहे हैं। अब तक दर्जनों नेता उनका हाल जानने गुरुग्राम आ चुके हैं। सोमवार को शिवपाल सिंह यादव, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर, स्वयं प्रसाद मौर्य सहित कई नेता आए थे। धर्मेंद्र यादव ने समर्थकों से कहा कि नेताजी की हालत स्थिर बनी हुई है, इसलिए लोग अस्पताल न आए, इससे अस्पताल में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।